in their agenda, in their hidden agenda, no democracy, no secularism. So, hereafter, we want to fight for the Manipur people. नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर जो मणिपुर में 50 दिन से ज़्यादा वक्त से हिंसा चल रही है, उसमें सरकार के हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिल्ली के कई सारे संगठन यहाँ जमा हुए थे और उन्होंने ये मांग की थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये जो हिंसा है उसको रोकने में हस्तक्षेप करे। और ये भी आरोप लगाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस हिंसा पर अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं, 50 दिन से ज़्यादा बीतने के बाद भी उनकी जो खामोशी है उस पर मणिपुर के लोग सवाल उठा रहे हैं। मणिपुर से जुड़े जो लोग हैं वहाँ, जिनके रिश्तेदार वहाँ पर रह रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर आए थे। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर सब लोग जमा हुए थे और इन्होंने अपनी बात रखी है। देखिए न्यूज़ क्लिक की ये खास रिपोर्ट। हाय, माय नेम इज़ ग्लैडी वाई पेहुंजन। आई एम वन ऑफ द विक्टिम रिलेटिव विद द सिविल सोसाइटी ऑफ दिल्ली। वी हैव कम टुगेदर हियर टू रिक्वेस्ट फॉर आवर सेंट्रल गवर्नमेंट टू install normalcy in Manipur. It's almost 2 months now, and we believe that if central government take a voice, take a stand, the violence will stop in Manipur. हम समझते हैं ये जो मणिपुर के अंदर पिछले 52 दिनों से हो रहा है ये केंद्र सरकार का फेल्योर है, ये राज्य के डबल इंजन सरकार का फेल्योर है। ये हम कहना चाहते हैं कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, क्योंकि बिना स्टेट स्पॉन्सरिंग के ये संभव ही नहीं है कि किस तरीके से एक ही कम्युनिटी के चर्चेस को अटैक किया जा रहा है। वी हैव सीन दैट फ्रॉम 3 मई टिल टुडे, स्पेशली इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर एस चुराचांदपुर, नो इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी पार्ट्स एंड इन सम पार्ट्स ओनली 1 आवर लोड शेडिंग गोइंग ऑन। That's not even enough to turn our water pump on. Internet shutdown means nobody can even speak up the reality of what they're going through. Thousands of shelter homes are there, thousands of displaced people are there, and hundreds of shelter homes are there, and there are people who ran for their life to Mizoram, even to Delhi, to Meghalaya, Assam, wherever they could, they just ran for their life outside Manipur. जानबूझ के करवाया, ये मेरा मानना है, क्योंकि आप देखिए कि जो जैसे चर्चेस जलाए जा रहे हैं, जानबूझ के करवाया, मतलब मोटिव क्या है? कम्युनल पोलराइजेशन से कुछ लोगों को फायदा होता है कि अगर लोग आपस में लड़ने लगेंगे और एक एक कम्युनिटी, मेजोरिटी कम्युनिटी इनसिक्योर हो जाएगी, आप उनके वोट बांट ले सकते हैं। पर वहाँ तो उन्हीं की गवर्नमेंट है, तो क्या चाहते हैं? आगे चल के ना, आगे चल के वो बरकरार रहे, क्योंकि आपके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा तो आपका है नहीं। आपने क्या डेवलपमेंट किया, आपने क्या बेरोजगारी कंट्रोल की, आपने क्राइसिस कंट्रोल की? कहीं भी देश में जो इश्यूज इम्पोर्टेंट हैं वो तो आपने फुलफिल किए नहीं, प्रोमिसेज आप करके आए। तो आगे चल के क्योंकि आप एंटी इनकम्बेंसी में बाहर हो जाते, तो आपको क्या कार्ड खेलना है? पहले सरकार में थी, उन्होंने पुलवामा जब हुआ उसके बाद फिर उनको अपना नेक्स्ट टर्म मिला, इस तरह से गुजरात में आपका जो कांड हुआ उसके बाद इनको, तो ये सोचते हैं कि लोगों के खून खराब लेते ये अपनी राजनीति कर सकते। मेरा नहीं मानना, जो नफरत की राजनीति है, धर्म के आधार पे, मजहब के नाम पे जो नफरत की राजनीति है, वो मणिपुर में चरम सीमा पर पहुंच गई है। और जो चर्च है, धार्मिक स्थल को जलाए गए हैं, और जो साधारण लोगों की जिंदगी खत्म की गई है इस दौरान, वो हम सब के जमीन पे बहुत भारी पड़ेगा। हमारे गृह मंत्री वहाँ 1 महीने के बाद जाते हैं, कहते सब ठीक हो गया और चले आते हैं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। और वहाँ इंटरनेट 50 दिन से बंद है, लोगों के पास कोई खबर नहीं आ रही है, लोगों का जीवन बिल्कुल, मतलब हर तरह से तहस नहस हो गया है। 50,000 लोग कभी करीब कैंपों में है और 400 चर्चेस चला दिए गए हैं, पता नहीं कितने गांव उजाड़ दिए गए हैं। तो ये सब क्या हमें बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उन्हीं की सरकार वहां हो, ये पूरी तरह से अक्षम, पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। ये क्या कर रहे हैं? तुरंत जो है, जिन लोगों के घर खोए हैं, जिन लोगों के घर जले हैं, संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनको उनकी संपत्ति बहाल करनी चाहिए और साथ साथ तमाम उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी
ने बाइडेन जी से कहा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है. सो डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी में एवरीबॉडी इज इम्पॉर्टेंट, वेदर वी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी. जस्ट बिकॉज वी माइनॉरिटी, जस्ट बिकॉज वी आर आदिवासी समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ अ कंट्री, मे बी आई डोंट नो, बट इट इज सो मेनी पीपल आर रिक्वेस्टिंग हिम टू से समथिंग अबाउट आवर सिचुएशन. दैट इज माई रिक्वेस्ट टू प्रधानमंत्री जी ऑल्सो, प्लीज से समथिंग for the pain of my people suffering in Manipur.